बाहुबली की ऐतिहासिक सफलता से निर्माताओं में महंगी फिल्म बनाने का विश्वास जागा है। बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किए और हिंदी में भी सर्वाधिक कमाई करने वाली ये फिल्म बनी। शायद इसी की सफलता को देखते हुए अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2018 में प्रदर्शित होने वाली फिल्म 2.0 का बजट 400 करोड़ रुपए के पार जा पहुँचा है। ये रोबोट का दूसरा भाग है। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म रोबोट ने अच्छी सफलता हासिल की थी। सूत्रों के अनुसार 2.0 का बजट 300 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते 350 करोड़ तक जा पहुंचा। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और VFX का काम चल रहा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय लुक देने के लिए बजट और बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए के करीब जा पहुंचा है। बाहुबली सीरीज की 2 फिल्में तो 300 करोड़ रुपए से भी कम बजट में बन गई थी। अहम सवाल ये है कि इतनी महंगी फिल्म है तो लागत कैसे वसूल हो पाएगी? निसंदेह जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन फिल्म के निर्माताओं को रजनीकांत और अक्षय कुमार की लोकप्रियता और फिल्म के कंटेंट को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म आय के नए कीर्तिमान बनाएगी